हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको तीर्थन वैली की दो पॉपुलर प्लेसेस के वर्चुअल टूर पर लेके चलेंगे। तीर्थन वैली, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, अपने तीर्थन रिवर के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर कई अन्य अमेजिंग घूमने की जगहें हैं, जैसे जलोरी पास, चोई वाटरफॉल, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेचर पार्क। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे जलोरी पास एंड ग्रेट हिमालयन नेचर पार्क। तो हमने सबसे पहले ग्रेट हिमालयन नेचर पार्क से स्टार्ट किया, जो कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का एक हिस्सा है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से नवाजा गया था इन द ईयर 2014। देयर इज अ एंट्री टिकट टू दिस पार्क। अडल्ट्स के लिए यू हैव टू पे ₹20 एंड बच्चों के लिए इट इज ₹10। ये नेचर पार्क अपनी ग्रीनरी के लिए प्रसिद्ध है एंड इस इंटायर पार्क को टॉल देवदार ट्रीज ने घेरा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर कई सुंदर फ्लावर्स के पौधे भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि रोडोडेंड्रन, जो कि इस पार्क की एस्थेटिक्स को और भी चार चांद लगाते हैं। तो अगर आप अपने लंग्स को रिफ्रेशन करना चाहते हैं विद फ्रेश एयर, तो यहाँ पर डीप ब्रीदिंग जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, डोंट कन्फ्यूज दिस नेचर पार्क विद द नेशनल पार्क। जैसे कि हमने पहले कहा, दिस नेचर पार्क इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, एंड अगर आप ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बंजार जाना पड़ेगा एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर से परमिट लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको गाइड भी हायर करना पड़ेगा नेशनल पार्क जाने के लिए। अनदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अगर आप चोई वाटरफॉल जाना चाहते हैं तो आप यहीं से इस नेचर पार्क से भी डायरेक्टली जा सकते हैं। वैसे तो चोई वाटरफॉल के लिए एक डिफरेंट रास्ता भी है, पर वो थोड़ा डिफिकल्ट एंड पथरीला है एंड वो बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए बिल्कुल प्रेफरेबल नहीं है। तो अगर आप एक शॉर्टर रूट ट्राई करना चाहते हैं जो कि लेस पथरीला है, तो इस पार्क से आप जा सकते हैं। इस नेचर पार्क के अंदर आपको बोर्ड दिख जाएगा जहां से अपने चोई वाटरफॉल के लिए जाना है। इस पार्क में आपको जगह जगह वाइल्ड एनिमल्स के आर्टिफिशियल रेप्लिकास भी दिखेंगे, जो कि दर्शाते हैं कौन कौन से एनिमल्स ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में एग्जिस्ट करते हैं। ये पार्क को कम्प्लीटली कवर करने के लिए आपको 2 से 3 किलोमीटर्स चलना पड़ेगा, जिसे आप 1.5 से 2 घंटे में कर सकते हैं। एंड बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ पर काफ़ी टाइप्स के झूले भी हैं। ये बोट्स जीते जाते इंसाइक्लोपीडिया का काम करते हैं, जो कि यहाँ के बर्ड्स एंड एनिमल्स के बारे में वाइटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं।
हमने इस पार्क को जून एंड में विजिट किया जब यहाँ काफ़ी रश था, बट लोकल्स के अकॉर्डिंग अन्य महीनों में यहाँ पे रश काफ़ी कम होता है। सो इफ़ यू विश टू एक्सपीरियंस द सेरेनिटी ऑफ द फॉरेस्ट, आप ऑफ सीजन में ही तीर्थन वैली जाना प्रेफर करें। एंड आफ्टर स्पेंडिंग अ कपल ऑफ आवर्स इन दिस नेचर पार्क, हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर बढ़े, जलोरी पास, जो यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर्स की दूरी पर था। जलोरी पास के रूट पर आप जीबी से क्रॉस करते हुए जाएंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। हमें जलोरी पास पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे। तो अगर आप अपनी गाड़ी से जलोरी पास जाते हैं तो हम आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगे। जलोरी पास एक हाई माउंटेन पास है, लोकेटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 10,282 फीट अबव द सी लेवल। ये इंटायर रोड काफ़ी नैरो एंड स्टीप है एंड कई जगह पॉट होल्स भी हैं ड्यू टू लैंडस्लाइड। सो मेक श्योर यू आर अ ट्रेन ड्राइवर टू ड्राइव ऑन दीज रोड्स। एडिशनली इंश्योर आपकी गाड़ी भी परफेक्ट कंडीशन में हो टू ट्रैवल ऑन द स्टीप पास। अपार्ट फ्रॉम द इंजन कंडीशन, आप अपनी गाड़ी के टायर्स की कंडीशन भी चेक करें। ड्यू टू स्टीप एलिवेशन टायर्स कैन गेट एक्सट्रीमली हॉट। वैसे तो पीक ऑफ द विंटर्स में ये पास बंद होता है, बट अगर आप विंटर्स में यहाँ आते हैं तो मेक श्योर टू ड्राइव सेफली। व्हीकल्स के स्लिप होने के चांसेस होते हैं ड्यू टू फ्रॉस्ट। इस एंटायर पास पर डेंजरस कर्व्स हैं, तो एक्सट्रीम कॉशन इज एडवाइज थ्रू आउट द जर्नी। एंड वापसी के टाइम नीचे उतरते हुए आप फर्स्ट गियर में ही अपनी गाड़ी रखें। एडहेरिंग टू दिस टिप्स विल इंश्योर दैट आपका जलोरी पास का ये ट्रिप मेमोरेबल हो। सो हम फाइनली पहुंचे जलोरी पास, जहां से 5 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है टू सरलोसर लेक। ये ट्रैक काफी सिंपल है एंड बुजुर्ग और बच्चे भी इसे इजीली कर सकते हैं। ये सारा ट्रैक ओक, पाइन एंड देवदार ट्रीज से घिरा हुआ है। एंड सरलोसर लेक तक पहुंचने के लिए आपको 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं। इस ट्रैक पर आपको काफ़ी जगह स्टॉल्स मिल जाएंगे खाने पीने के लिए। एंड ये वही जगह है जहां दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर की बॉलीवुड मूवी ये जवानी है दीवानी की शूटिंग हुई थी।
यहाँ का वेदर जनरली बहुत अच्छा रहता है एंड अगर आप नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं तो इट इज़ एन अल्टीमेट प्लेस फॉर यू। तो हमें फाइनली देखी सरलोसर लेक। इस लेक का पानी काफ़ी साफ सुथरा है एंड यहाँ पर आपको एक भी पत्ती गिरी हुई नहीं मिलेगी। इसका कारण ये है कि यहाँ पर एक आबी नाम की चिड़िया होती है जो इस लेक को काफ़ी साफ सुथरा रखती है। अगर गलती से भी यहाँ एक पत्ता गिर जाए पानी में तो वो उसको निकाल देती है। सरलोसर लेक को धार्मिक पर्यटक स्थल भी कहा जाता है। हर साल यहाँ हज़ारों लोग इस झील और इसके पास में बूढ़ी नागिन के मंदिर के दर्शन करने आते हैं। आपको ये भी बता दें कि इस क्षेत्र की महिलाएं गाय का पहला घी का चढ़ावा इस झील में चढ़ाती हैं। मान्यता है कि जो भी अपनी गाय के पहले घी को चढ़ाकर इस झील की परिक्रमा करते हैं उस घर में कभी भी दूध घी की कमी नहीं रहती। एंड झील के पास बने माँ बूढ़ी नागिन के मंदिर भी आप ज़रूर जाएं। Hope you like this informative video, so share it amongst your friends and family members. Thank you.